हम ऊपर ओली खिलाते हैं, ऊपर के लोक में ले जाते हैं, वहां की ओली से इसको पराचित परिचित करा दिया ऊपर के सुख से। अब यहाँ की नकली होली हम नहीं खेले। सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कूटे, जो सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ऊठे। अब गरीबदास जी कहते हैं भी हम ये कर्म नहीं करा करते, ये इस तरह की बकवाद, हमने सतगुरु पूर्ण मिल गए और अब हम उनकी मर्यादा में रहकर अपनी क्रियाएं सुचारू कर रहे हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन अस्थान राम रंग होरी हो। चंद सूर की गम नहीं रंग होरी हो, नहीं जमी असमान राम रंग होरी हो। परवीना परकाशिया रंग होरी हो, झिलमिल नूर जहूर राम रंग होरी हो। हम तो अपने उस मालिक के साथ होली खेलते हैं जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, झिलमिल नूर जहूर राम रंग होरी हो। पुष्पों की वर्षा लगी रंग होरी हो, वहां बाजे अनहद तूर राम रंग होरी हो। पांच पच्चीसों संग है रंग होरी हो, मन राजा प्रधान राम रंग होरी हो। बीड़ी घाटी सा करी रंग होरी हो, पावत नाही जान राम रंग होरी हो। तिल की ओट सुमेर है रंग होरी हो, सतगुरु सिंध समाव राम रंग होरी हो। झांखी पर्दा खुल गया रंग होरी हो, वहां खेले फगुआ जाय राम रंग होरी हो। कहते हमारे पति के बीच में उस जिसके साथ हमने होली खेलनी चाहिए थी उसके बीच का पर्दा हट गया और ईब हम वहां जाकर फागण खेल रहे हैं, आप तुम्हारी सोड़ी ने नहीं खेल सकते। झांखी पर्दा खुल गया रंग होरी हो, हम खेलें फगुआ जाए राम रंग होरी हो। कालंदरी जमुना बह रंग होरी हो, मोहन कबीर भोपाल राम रंग होरी हो। मुरली मधुर धुन बाज ही रंग होरी हो, कंपे जोरा काल राम रंग होरी हो। ब्रह्मानंद धुन होत है रंग होरी हो, तन मन धन कुर्बान राम रंग होरी हो। भंवर गुफा में आम खास रंग होरी हो, दुल्हा पुरुष दीवान राम रंग होरी हो। ऊंची दिशा ईशान कूट रंग होरी हो, कोई न पावे जान राम रंग होरी हो। उज्जवल पौल अगमपुरी रंग होरी हो, जहां कबीर पुरुष अमान राम रंग होरी हो। सुख सागर की लहर है रंग होरी हो, उठ अनंत तरंग राम रंग होरी हो। पलकों डोर हिलाई ये रंग होरी हो, ठाकुर का चैंडोल राम रंग होरी हो। नादी बादी बहु मिले रंग होरी हो, वह करें कले जय छेक राम रंग होरी हो। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि हम जो सतमार्ग पर लग रहे हैं इसमें वाद विवाद करने वाले बहुत मिलेंगे और इसी बेउदी बात कह देंगे, न्यू कलजे में छेक कर जा मारे, लेकिन हम उनकी बात में आवाक हो जा, इसलिए हम इस नकली रंग में नहीं रंगना चाहते। नादी बादी बहुत मिले रंग होरी हो, वो करें कले जय छेक राम रंग होरी हो। ऐसा कोई ना मिले रंग होरी हो, ताहे लखे उर्द्रेख राम रंग होरी हो। सिंगल दीप की पद्मनी रंग होरी हो, मन ना चाहे ताहे राम रंग होरी हो। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो।
अपनात्मा विचार करना, परमात्मा एक के कोड वर्डो बहुत गुड रहस्य छुपाया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए हमने या नकली होरी नहीं खेलनी, और इसके अतिरिक्त हम और अन्य भी क्रियाएं करते हैं जो आउट ऑफ हमारी मर्यादा के होते हैं, तो वो मर्यादा हीन होना ऐसा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब आपको पता चल गया कि ये विष का एक कण पड़ा है, किरका, किरका कहें छोटी सी डली, अरे यूँ पता यू जहर है कहते कौन खावे इसने, ना पता है तो बालक मुंह में दे जाओ मरे जाया करे फिर। तो जब हमने ज्ञान हो गया कि हमारी अगर नियम टूट गया भक्ति समाप्त होगी और काल के फंसे रह जाएंगे, ये विष है हमारे लिए। मर्यादा को तोड़ना, नियम भंग करना, ये व्यस्त खाना है। अपनात्मा भक्ति कोई ज़्यादा कठिन नहीं, काल ने ये ऐसा उलझेड़ा उलझा दिया कि जो क्रियाएं हमने नहीं करनी चाहिए थी वो करवाने लग गए, और पूरे समाज में वो समा गई। जैसे विवाह शादी में कितनी बकवाद, फिर लेन देन के अंदर पता नहीं क्यों के सिस्टम चालू कर दिए, फिर बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सुल्फा जो ना करने की चीज़ वह शुरू करवा दी, और इस भक्ति के लिए ये सारी व्यस्त हैं इनको त्यागनी पड़ेंगी, आन उपासना नहीं करनी किसी और देव की, दास बताओ इसके अतिरिक्त। तो ये मर्यादा हैं, जैसे सीता को कहा गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना जाना। अब रावण आया साधु वेश बना के, कहा माई भिक्षा दे। सीता जी बोली आ जाओ महाराज, ले जाओ कुटिया से। वो कुटिया की तरफ चला और रेख के पास पहुंचा, उसमें से अग्नि की लपट निकली, वो वापस हो गया और कहा ये भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे जा। तो सीता ने सोची साधु संत है और के फर्क पड़े है, अभी ले कर आटा और अब डाल लाती हूँ, लेकर मर्यादा पार करके रेखा पार करके और आटा देने लगी, पकड़ ली बाड़े थे का रावण नर गेर ली पाछे हैं। अब उसकी तो जरा सी लागी न्यू कह है, न्यू सोची के फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते न्यू कह गई इस तो बाहर मत लिकड़िए। तो यहाँ अब वो मर्यादा भंग करी सीता ने, उसकी के दुर्गति हुई, वहाँ बिरान मट्टी हुई, इतनी सताई वहाँ पर उस दुष्ट रावण ने, लाखों आदमी मर गए उसको छुटवाने में। तो पुणात्माओं, जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बनाए ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति जावे सब जा है तो सरदर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा। दाओ बोलो सतगुरुदेव की जय।